तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों चौंकने वाली कोई बात नहीं है, आज हम लोग वही करने वाले हैं क्योंकि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं। हमारे पूज्यनीय गुरुजी श्री श्री 108 श्रीमान देव पवार सर जी, जिन्होंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है। हम लोग नहीं चाहते थे उनके साथ कोई भी बहसबाजी या ये सब बातें करें, लेकिन अब उन्होंने इस लायक छोड़ा नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो भी है आप लोगों तक भी सारी जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, बिना समय खराब किए वीडियो में चलते हैं आगे और आप लोगों तक को दिखाते हैं कि हमारे पूज्यनीय श्री श्री देव पवार सर जी क्या कहते हैं। कि मैं फिलहाल में एक ऐसे यूट्यूबर के तौर पर उभर के सामने आया था उस वक्त पे जब लोगों के हर किसी के मोबाइल में देव पवार छोरे बरगाटी और लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, आज भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे गुरुजी बोल रहे हैं कि पहली वीडियो में मैंने बनाया था या तो छोरे बरगाटी की या तो देव पवार जी की। ठीक है सर, बहुत सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ ही हम आपसे कहना चाहते हैं कि यार आपने दोनों जगह वीडियो बनाया, फिर आपके साथ छोरे बरगाटी में ज्यादा व्यूज और देव पवार में कम क्यों, ऐसा क्यों? चलो खैर इतना ही नहीं, आगे भी और है, करते हैं कंटिन्यू, चलते हैं साथ में देखते हैं। जितने भी अलग हुए हैं, मैं किसी का नाम लेना चाहूंगा नहीं, और अलग हुए से ही मुझे मतलब नहीं है, जो मुझसे अलग हुए हैं वो तो हुए ही हैं और जो मुझसे सीखे आज वही कर रहे हैं, उसके अलावा उन्हें एक भी ऊपर नहीं आता। जितना मुझसे सीखे हैं, जो उन्हें मैंने सिखाया हूं, उससे ऊपर करके बता दे मान जाऊंगा मैं, नहीं कर पाएंगे वो लोग। यार जैसे कि देव सर हमारे, देव भैया ही बोलूंगा मैं तो ज्यादातर, परम पूज्यनीय गुरुजी, क्योंकि मैं गुरुजी उनको मानता, पर उन्होंने बहुत कुछ गलत कर लिया। भाई आप बोल रहे हैं कि यार मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो, तो मैं आपसे बोलता हूँ परम आदरणीय देव भैया, और आप और एक चीज की आप बोलते हैं कि मेरे चेले शिष्य, यार 14 दिन में कोई परीक्षा नहीं लेता है, पास नहीं हो जाता परीक्षा में, और कोई किसी को गुरु नहीं मान लेता है। 14 दिन आप 14 दिन की वीडियो 6 महीने तक चला रहे हैं, है ना? तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने सबसे पहले देव पवार चैनल स्टार्ट किया तो आपके कितने व्यूज आते थे और आपको क्षेत्र में कितने लोग जानते थे, और आज की डेट में उस चैनल पे कितने सब्सक्राइबर है। आप बोल रहे हैं कि आपने दोनों चैनल में बराबर प्यार दिया, ठीक है आपकी बात से हम सहमत है, लेकिन आप बताइए कितने सब्सक्राइबर है। अब आप बोलते हैं कि यार ये लोग मेरी कॉपी कर रहे हैं, मैंने जो इनको सिखा के भेजा है ये वही कर सकते हैं, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके पास हम लोग आए इसके पहले हमारे माइंड में कुछ था या आने के बाद ही आपने नहीं दिया है? एक सेकंड गोविंद भैया, एक मिनट रोकूंगा मैं आपको। तो दोस्तों हमारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने इनको जितना सिखाया हूं, जो कुछ भी है इनमें, इनको आज जितना दिमाग मैंने दिया हूं, मतलब इसका मतलब इससे पहले जब हम दुनिया में आए थे लगभग 27-28 साल मेरी एज है, तो अब तक हमारा माइंड जो था वो ब्लाइंड था, टोटल खाली था। हमारे माइंड में जो कुछ भी देव भैया जी ने डाले वही हमारे दिमाग में था और हम उन्हीं के हिसाब से जीना सीखे, काम करना सीखे और सब कुछ सीखे। जैसा गुरु मिलेगा आपको वैसी परफॉर्मेंस आपकी रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो मेरे चेले हैं आज भी काम कर रहे हैं और माने ना माने मेरे पास जितने भी गए वही चल रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने अभी बोला कि यार ये लोग सब मेरे से सीख के गए, तो मैंने आपको पहले बताया कि 14 दिन में कोई सीखता नहीं है। और रही बात पहचान दिलाने की, तो देव भैया आपसे मैं बोल दूं कि देव पवार को कोई नहीं जानता था, आज भी आपकी जो पहचान है वो बनवारी सेठ के नाम से है और ये पहचान आपको छोरे बरघाटी से मिली है। कोई चीज मैं बता दूं आपको, जो बंदे मेरे पास से गए उनने आज तक अपने नाम तक नहीं बदले हैं, हिम्मत है तो नाम बदल के बताओ, सही बोल रहा हूं मैं। रही बात दूसरी कि आपने बोले कि मैंने जो नाम दिया था उस नाम को इन लोगों ने चेंज नहीं किए, तो क्या मैं अपने माँ बाप से पूछूं अब कि आपने मेरा पहले गोविंद नाम रखे थे या मैं देव पवार टीम में गया उसके बाद में मेरा नाम गोविंद आया? कैसी बात करते हैं आप देव भैया, आप इतने समझदार व्यक्ति हैं, मुंबई रिटर्न है, आपको तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए किसी भी चीज को। और आपके मोहल्ले में सिंगल आपकी किराने की दुकान है, आप उस किराने की दुकान में खरीदने वाले ओनली 100 लोग हैं जो मोहल्ले के खरीदते हैं। और इतना ही नहीं, साथ में आप ये भी बोल रहे हैं कि यार कंटेंट चेंज करना चाहिए, मतलब वही वही किराने की दुकान, तो सम्माननीय श्रीमान देव भैया जी आप बोल रहे हैं, आपने जो किराना दुकान वाला जो टॉपिक बोला, और अगर
आपकी दुकान को चलता देख एक पड़ोसी के दिमाग में शैतान जागा और उसने एक दुकान आपके मोहल्ले पे और खोल लिया। उसके लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि विगत 5 वर्षों से वार्ड नंबर 11 में मयंक पटले नामक व्यक्ति की दूध डेयरी है, आप जानते हैं। फिर आपने वार्ड नंबर 11 में दूध डेयरी क्यों डाला? चलो खैर उसको भी मामला यहीं खत्म नहीं होता, अभी रुको आगे भी देखो। तो यहीं पे मामला तो खत्म हुआ नहीं, उसके साथ साथ लगभग कई वर्षों से, मैं तो काफी वर्षों से देखते आ रहा हूँ जब से होश संभाला हूँ, महेश सोनी जी जो कि इन्हीं के ग्राम के निवासी है, ग्राम पंचायत कोसमी के निवासी है, उनकी चाय दुकान है, उनके अपोजिट में आपने चाय दुकान क्यों खोली? सामान्य गुरु जी, आप गुरु बन रहे हैं ना हमारे, हमको अपना शिष्य बोल रहे हैं, चेला बोल रहे हैं ना, तो आपको पता है आप जो बातें बोल रहे हैं, तो आपको पता है आपको क्यों, आप इतने ज्ञानी थे, आपने क्यों चाय दुकान खोला वहां पे सामने? पिंटिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। और अब आप बोलोगे कि यार वो दुकान तो मेरी है ही नहीं, वहां कोई और बैठता है। तो यार आप हर वीडियो में बोलते हो बनवारी सेठ की दूध डेयरी, बनवारी सेठ की दूध डेयरी, तो दूध डेयरी तो आप ही। और साथो साथ देव भैया आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि हम लोगों ने वहां पे अपना अपनी मेहनत करके, हम लोगों से जो काम लेकर के आपने जो पैसा कमाया उससे आपने दूध डेयरी खोला है, आप इस बात को भूल नहीं सकते। आप क्या कहते थे हमसे, हम एक गांव बसाएंगे, फिल्म सिटी टाइप का होगा, वहां पे पिकिया का घर अलग होगा, गिरधारी का घर अलग होगा, एक्स वाई जेड, आपने सपने तो ऐसे ऐसे, आज क्या बोल रहे हैं आप, क्या यूट्यूबरों को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं आप? जब यहाँ पे R2R चैनल में पहली बार देसी कंटेंट पे कॉमेडी डली थी तो सम्माननीय आपने तो उनको डोमिनेट किया था, हमारे द्वारा भी किया था, हो सकता है कि हमने भी उनको गाली वाली दी हो, क्योंकि आपने हमको उकसाया था। और सीधी सी बात है, आप बोल रहे हैं कि आप हमारे गुरु हैं, तो आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता था, और हमने हम लोगों ने बखूबी किया भी। तो आज आप जो सबको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, उस समय आप कहाँ थे? आज जब आपकी खुद की नैया डूबती हुई दिख रही है तो आप जन समुदाय का सहारा लेना चाह रहे हैं। अरे जब बालाघाट वाले, सिवनी वाले या बरघाटी छोरा या अदरवाइज जो भी चैनल खुलते थे तो आप तो उस समय बोलते थे देखो देव पवार की कॉपी कर रहे हैं, एक महीने में खत्म हो जाएंगे, ये आप बोलते थे। उस समय आपका सपोर्ट कहाँ गया था देव भैया? सम्माननीय जब आज आप, आपको अपनी नैया डूबती हुई दिखी तो आप दूसरों का सहारा लेके किनारा चाह रहे हैं। और इन्होंने एक पॉइंट और ये बोला, ये रहा पॉइंट, ये बोल रहे हैं कि आप लोग सब वही 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 कर रहे हो, अलग से क्यों नहीं कर पाते? तो आपको बोल दूं, आप जिस हिसाब से हमें बोल रहे हैं कि ये मेरे चेले हैं, मैंने इनको जितना सिखाया हूं ये उतना ही कर सकते हैं, उसके आगे कुछ नहीं, तो भैया मेरे आप खुद कंटेंट चेंज कर लो। और लगभग आपने बहुत सारे किया भी, आपने तो बहुत से चैनल खोले, आपके चैनल गिना दूं मैं आपको। आपने MR देव पवार, तो खैर बाद में था, सबसे पहले देव पवार में काम किया, बोले नहीं यार व्यूज नहीं आ रहे इसमें। और सम्माननीय आप नाम नाम की बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं, ये छोरे बरघाटी आपका नाम नहीं है, यहाँ पे भी जो बरघाटी लगा है दोस्तों, आप लोग चैनल पे यूट्यूब पे जरूर सर्च कीजिएगा, आशीष बरघाटी नाम से यूट्यूब की तरफ से वेरीफाइड चैनल है, सबसे बड़ा सबसे पहला चैनल हमारे क्षेत्र का, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाला आशीष भैया का चैनल है। सम्माननीय आज तक उन्होंने तो इस टाइप की बात नहीं की यार, आपकी तो बातों से ही अहंकार झलकता है देव भैया, और इसी अहंकार से आज आप अकेले हो, क्योंकि सीधी सी बात है, कम शब्दों में एक ही चीज बोलूंगा, अकेले खाओगे तो अकेले ही रह जाओगे, और मिल बांट के खाओगे तो आगे तक जाओगे। और देव भैया ये हरकतें अपनी अभी भी समय बंद कर दीजिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए ना, क्यों इधर उधर आप लोग तानाशाही में लगे हैं, इसको बुलाओ उसको बोल ये करो, एक वर्ष हो गया हम लोग तो आपके बीच में आए नहीं थे, आपसे कोई चर्चा नहीं हुई, किसी मुद्दे पे बात नहीं हुई, तो फिर आप ये क्यों खोद विनाद कर रहे हो? और आज जिस चैनल को आप, आज जो छोरे बरघाटी को आप हाईलाइट करके जो उसके उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप तो हम लोगों के पास में बोलते थे, क्यों पिंटिया शायद आपको याद होगा, क्या आपको भी याद होगा कि आप तो बोलते थे कि इसकी ऑडियंस सिर्फ सीमित है, मेरे को नेशनल लेवल पे जाना है। और जिस चैनल को आप नेशनल लेवल पे लेके जाने वाले थे, आज उस चैनल की दुर्गति कर दी आपने, क्योंकि ये कि आपको धन का लोभ हो गया था और आप एक चैनल से संतुष्ट नहीं रहना चाहते थे, आप हर जगह से पैसा कमाना चाहते थे, और लगभग आपने ये सब किया, आपने MP रॉकर्स, छोरे देव पवार, MR देव पवार, देव पवार रोस्ट, और ये अभी एक नया जो कि ये भी आप जो कॉपी कॉपी बोलते हो ना, अरे यार एक बात बताओ, करण जौहर सर जो बॉलीवुड स्टार है, करण जौहर सर का शो चलता है कॉफी विद करण, उसकी कॉपी आप कर रहे हैं, आप क्या बताएंगे, आपका ओरिजिनल कंटेंट है देव पवार पे भी तो आपने टोटल कॉपी, उसमें आपने दम अर्जुन को टोटल कॉपी किया है, बताइए टोटल कॉपी, स्कूल लाइफ, हैप्पी बर्थडे और
बहुत सारे वीडियो हैं। अरे नहीं किरे किराएदार नहीं हमारी हाँ? न्यू कार। अरे आपका खुद का कंटेंट है कौन सा कहां? और इनने तो आप भी किए हो। और इनने एक पॉइंट लाए थे एक क्लास में टीचर जो हाँ? है ना, तो मैं आपको बता दूं कि वो टीचर ये नहीं बोलता कि बेटा तू ही मास्टर के लिए पढ़ाई कर और तू इंजीनियर के लिए कर। वो तो सबको एक समान शिक्षा देता है, उसमें तो 10 लोग मास्टर के लिए फॉर्म भरे या इंजीनियर के लिए भरे। और सीधी बात है देव भैया, कम शब्दों में आपकी बुआ का लड़का आपके साथ था क्या? हाँ, अंकित, अंकित राव। क्यों गया वो, क्यों गया आपके पास से? आप गलत नहीं थे। अगर पुरानी ऑडियंस देख रही है तो उसको अंकिया बोलते थे। अंकिया बोलते थे हम तीन तो गलत थे, हम मान लिए चलो भाई हम गलत थे, हमको पैसों का लोभ था। ये तो आपके साथ शुरुआत से थे, अंकिया आपके साथ शुरुआत से था, कब समझ लियो भैया? बहुत पैसे दिए गए थे आपको उन्होंने। अरे इतने पैसे भाई साहब की क्या बताऊं, गिना दूंगा इतने पैसे। भाई रिकॉर्ड चेक कराओ, मैं बताऊंगा कि कौन से पैसे। अरे आप रिकॉर्ड पब्लिश कीजिए ना। हाँ आप रिकॉर्ड पब्लिश कर दीजिए। और सीधी सी बात है, आप बैठ के बात करने वाली बात। अरे आप तो हमको सोशल मीडिया में गिराना चाह रहे हैं भाई। अभी हम जो कुछ भी अपनी मेहनत से, आपके पास भी काम करते थे अपनी मेहनत से, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने कैरेक्टर पे ध्यान दिया था। भाई साहब अभी तक हम लोगों ने सिर्फ अपना काम किए, आपने 2-3 ब्लॉग दिए उसमें हमको बोले बुरा भला, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपने अपनी गुरु दीक्षा खत्म कर चुके हैं, ठीक है ना? तब भी आपका सम्मान करते थे हम, मतलब हम है ही नहीं कुछ आपके सामने, चेले हम चेले हैं। ठीक है श्रीमान देव भैया, हमेशा ये बोलते हैं कि मैं रूम के अंदर रह के पूरे टाइम काम करता हूँ, तो यही आपने जो बोले हो अभी यही सब काम करते हो, आपकी उंगली उठाने का। वो सही बोल रहे हो भाई साहब, 90% मेहनत आपकी है तो 10% और करो ना, करके दिखाओ ना, करके दिखाओ, पूरा 100% करो, करके दिखाओ, क्यों पीछे हट रहे हो बताओ? और अब तो आपने प्रवचन चालू कर दिया है तो आप करके देखिए ना, अकेले कितने लोग आपके प्रवचन सुनते हैं। तो बिना सहयोग और बिना सपोर्ट और बिना संगठन के कोई कहानी नहीं चलती देव भैया, और उसको चलाने के लिए जो टीम वर्क की बात करते हो ना, आप टीम वर्क की बात करते हो, आपके अंदर वो चीज रहती तो आज हम लोग अलग नहीं होते। कौन चाहता है कि हम लोग अलग अलग होके काम करें, ना आज आप सुखी हो ना हम लोग हैं, क्योंकि सभी लोगों की ऑडियंस एक ही है। कभी उसका मिर्च मसाला खाते हैं, कभी उसी का, जिसका ज्यादा पसंद आया लोग उसको देखते हैं। और इसी कंडीशन में आज हमारे चैनल धीरे 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 नीचे की कगार पे जाने, इसका कारण भी सिर्फ और सिर्फ आप है। आप यदि ईमानदारी से रहते, आपने कौन सी पेमेंट शुरू किया भाई, कौन सी पेमेंट? सीधी सी बात है भैया, पेमेंट को एक तरफ रखो, पेमेंट अपन को भी चाहिए ही नहीं। बात क्या थी, अपन उस समय बोलते थे कि यार अपने क्षेत्र का बंदा है पंकज, याद है? मैं बोलता था कि भैया उसको भी लेके चलते हैं बराबर, पर नहीं, क्या बोले आपने भैया कि नहीं अपने से आगे कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। और आपने आज तक अपने पर किसी को हावी नहीं होने दिए। हाँ। और आज आप ये सब बना करके हम लोगों को डिमोटिवेट करना चाहते हैं। हम सब एक है, जब जिस दिन ये लोग अलग हुए थे मैंने इनकी स्टोरी देखा था, हम लोगों की आपस में बात भी हुई थी, और मैंने ही सलाह दिया था कि यार अपन लोग अलग हुए हैं लेकिन एक साथ नहीं हुए, लेकिन तुमको पूरा सपोर्ट है और आज तक पूरा सपोर्ट है और आगे भी रहेगा देव भैया। जिस दिन से हम लोग अलग हुए हैं, बड़े भैया बंटी भैया और गोविंद भाई, इनका पूरा सपोर्ट रहा है मेरे को यार। ये लोग देखो एकदम से अचानक से हम जब अलग हुए थे ना, सबसे पहले कॉल मेरे को बंटी भैया का आया था, बोले टेंशन मत ले मैं बैठा हूँ। क्या है यार आप, यदि आप सबको संभालते, आप बोलते हैं तुम आप बात करते हो भैया, अब आज आपकी नैया डूब रही तो आप बाहर के यूट्यूबरों को बुला रहे हैं। अरे चलो आइए, कोई दिक्कत नहीं हमको। गोविंद भाई सुनो, बाहर के यूट्यूबर बुला रहे हैं, वो उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं ना भाई। जब ये उनको प्रमोट नहीं है, अपने आप को प्रमोट करवा रहे हैं, वही बात करना चाह रहा हूँ। जब यहाँ पे 7 लोगों की टीम को मैनेज नहीं कर पाए तो इतने सारे यूट्यूबर को कैसे मैनेज करोगे? अरे यार उनकी ऑडियंस से अपने व्यूज चाह रहे हैं वो। आप कुछ भी करो देव भैया, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप हमारे बोल से पास आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे बारे में बोलना बंद कीजिए, नहीं तो बहुत सी बातें हैं जो हमारे मुंबई के कलाकार आप खुद को बताते हैं, तो हम लोगों को आपने क्या सिखाया? हमको तो अभी इंटरनेशनल बना के छोड़ना था आप लोगों को, फिर हम तो हमारे जिले में। अरे आपको तो पहचान छोरे बरघाटी से मिली और हम लोगों ने दिलाए, ये मैं एकदम दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि देव पवार को कोई नहीं जानता था, बनवारी सेठ को जानने लगे थे। और आज भी आपकी पहचान सिर्फ और सिर्फ बनवारी सेठ से ही है। आपने एक चीज हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि आपने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया है, ये बिल्कुल सत्य है और हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। चाहे आपसे हम कितने दूर चले जाएं, हम यूट्यूब बंद कर दे या काम करें, पर एक चीज जरूर याद रहेगी, और जिस मंच पे भी जाएंगे कभी और किसी ने पूछ लिया कि आपको यहाँ पे यहाँ तक आते आने के सफर में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट किसने आपको सपोर्ट किया या किसके जरिए से आप आए, तो सबसे पहले भी आपका ही नाम लेंगे, सम्मान के साथ आपका नाम लेंगे हम।
सम्मान के साथ नाम तो ले रहे हैं लेकिन इनको घमंड तो उसी बात का है। नहीं तो आज वो जो कुछ भी अपने घमंड के कारण आज उनकी नैया क्यों डूबी? अरे यार आज तुम क्या बोल रहे हो? को छोड़ो, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, जब देव पवार चैनल था स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, पूरा साम्राज्य खड़ा करके दिए हैं। नहीं तो बता दो, झुटला तो इस बात को, पूरा साम्राज्य खड़ा करके दिए। मैं तो भाई एक ही बात पे हूँ, आपने 6 महीने तक काम किया यूट्यूब पे, आप मुंबई रिटर्न थे, आपको टोटल नॉलेज था, तो फिर एक बकरी चराने वाले ने आपको पहचान बनवारी की क्यों दिया? क्यों दिया? और दिन भर भूखे प्यासे रह के शूट करे बंटी भैया, ये बंटी भैया इस बात के सबूत है। जिस दिन हमारा शूट लगा था, जिस दिन बंटी भैया पहली बार आए थे, नाश्ता लेके आए थे कि बोले यार बंदे भूखे हैं। और हमारे अंदर की जो कॉमेडी थी या कलाकारी थी या जो भी थी, ये बचपन से हमारे अंदर। और मेरे दोस्त, कोई भी किसी को बनाता नहीं, एक बात याद रखना, उसके अंदर वो चीज होती है, वो दिखती है तो उभर के आती है, कोई बनाने वाला नहीं। हाँ, उसको प्लेटफॉर्म देते हो आप। भैया देव पवार की आत्मा अपने अंदर घुसती थी और वो काम करवाती थी। ये भी बात सही है। अरे जिस आदमी को देहाती में बावली नहीं पता वो क्या सिखाएगा यार। और हाँ दोस्तों, आजू बाजू में किसी भी गाँव में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो नामकरण जो है अपने देव भैया से करवाना, ठीक है? क्योंकि वो जो नाम देते हैं वही नाम चलता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ देव भैया कि आप मेरा नाम तो आपने दिए हो, तो अब मेरे को नाम बदलना है तो क्या नाम रखूँ? ये भी नाम आप। और आप यार ये आप इतनी तुच्छ सोच कैसे रख सकते हैं? इतनी छोटी सोच कि दम है तो नाम बदल के दिखा। अरे आप दम की बात कर रहे हो तो तुम में दम है तो हमारे द्वारा हमारी मेहनत से बनाए गए वीडियो डिलीट करके बताओ, हम नाम चेंज कर देंगे। ये खुला चैलेंज है। और आप बात करते थे हॉलीवुड की, आपने आज शायद वो वीडियो डिलीट कर दिया है। आप बात करते थे कि मैं हॉलीवुड जाने को तैयार हूँ, मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ, आपको हॉलीवुड जाना पड़ेगा और हॉलीवुड जाके एक मूवी भी बनाना पड़ेगा। मैं आज आपको सारी ऑडियंस के सामने चैलेंज कर रहा हूँ कि ना आप वीडियो डिलीट कर सकते हो ना आप हॉलीवुड जा सकते हो। और फिर यार रही बात नाम की, तो हम नाम क्यों चेंज कर रहे हैं? हमारे तो ओरिजिनल नाम है भाई, बंटी भाई। वहां पे बंटी भाई का किरदारी चल रहा था, है इनका भाई टीजीबी कॉमेडी। टीजीबी कॉमेडी आप कुछ भी सोच सकते हो, टीम गोविंद बरघाटी कॉमेडी, टीम गोविंद बरखी बंटी कॉमेडी, टीम गोविंद बाबा कॉमेडी, एक्स वाई जेड टीजीबी कॉमेडी रख चुके हैं भाई हमने। और रही बात बरघाटी के टेक की, तो भाई बरघाट क्षेत्र से हम भी हैं और आपसे पहले वेरीफाइड चैनल है यूट्यूब में। आपका तो खुद का चैनल, आपका खुद का चैनल वेरीफाइड नहीं है, आप क्या बता रहे हैं आप? आपका तो खुद का सम्माननीय आशीष भैया जो के अभी रिसेंटली उनका ऑक्टापैड गुरुजी में 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, यार दिल उनके जैसा रखो तो आगे बढ़ोगे। आज 1 लाख सब्सक्राइबर उनके फिर से हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनमें थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है। जहां मिलते हैं भैया करके बात करते हैं। और आप एक बात बोलते थे देव भैया, जब हम लोग काम करते अरे हमारे क्षेत्र में क्या कलाकारों की कमी है? रिया खान, बाली ठाकरे जी और हमारे परम सम्माननीय गुरु जी जिनको हम गुरु जी दिल से मानते हैं, एजाज खान जी, अनिल पाठक जी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए एक आइकॉन है वो लोग, है कि नहीं? बरघाट में एहसान कुरैशी जी, आपने तो उनके भी बारे में बहुत कुछ बोला है, रिकॉर्डिंग रखी हुई है हमारे पास। गुरुजी के बारे में, हमारे एजाज खान जी के बारे में भी आपने बहुत कुछ बोला, सारी रिकॉर्डिंग है आपने जिसके बारे में जो बोला है, जरूरत पड़ने पर पब्लिक तक वो भी पहुंचाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और देव भैया आप लोगों ने जो हमको शिक्षा दी थी ना, उस पर आप खुद ही खड़े नहीं उतरे। ये रिकॉर्डिंग निकालू, अभी निकालू क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग पड़ेगी ना जरूरत। देव भी आपसे निवेदन है, इसका जवाब भी जरूर देना, उसके आगे के भी जवाब है, क्योंकि अब आप तो हमको काम करने दे नहीं रहे हो, तो अपन सवाल जवाब ही खेलते हैं। कंटेंट ही चेंज, क्योंकि अपन लोग 3-4 ब्लॉक से चुप थे। चलो यार जाने दो, क्या बोलोगे, बड़े हैं अपन से, अपन उनका सम्मान करते थे। पर अब बनाओ आप ब्लॉग, कितने ब्लॉग दोगे? आपके हर सवाल का जवाब होगा। और आपसे निवेदन है, ब्लॉग में मत दो जवाब। ब्लॉग में क्या, ब्लॉग में जवाब देके तुम क्या अपने व्यूज, ब्लॉग चैनल में व्यूज चाहते? छोरे बरघाटी में ब्लॉग दो छोरे बरघाटी में हमको जवाब दो ना, दो छोरे बरघाटी में जवाब, हम देंगे ना, सबूत के साथ देंगे। अरे यार कुछ तो सोचना चाहिए, क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो यार भैया आप? काम मतलब जितनी जो बनी बुनाई इज्जत क्यों दुलवाना यार? मैं बोल रहा हूँ अपने काम पे ध्यान दो, हम लोग अपना काम कर रहे थे, क्यों हमारे बारे में बोलते हो यार आप भैया? अरे यार हमने तो कभी नहीं बोले आपके बारे में, हमने कभी नहीं बोले यार कि ऐसा कि वैसा। और यार आप एक चीज और, आप लोगों को क्या बताते रहते हो ब्लॉग में या वीडियो में कि वो गोविंद लोग मिलते हैं उनके साथ तो हमारी चाय पी, कितने बार चाय पिए, वो एक अचानक बार यार मिल गए। और सुनो, हमारी और आपसे कोई बुराई नहीं है, और हमको भैया इतना समय नहीं है कि हम आपके साथ बैठ के चाय पिए। अरे ये बंदे जब से आप हो गुरुजी, जब से आप हो ना,
ये बंदे थे आपके साथ, आप इनको नहीं समझ पाए, सगी बुआ के बेटे को नहीं समझ पाए, आप किसी को क्या समझोगे यार? आपको सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत पैसों से, क्या आप नाम नाम की, आप अपने से ऊपर और किसी को हावी भी नहीं होने देना चाहते, ये बात बिल्कुल सत्य है और ये बात आपको मानना पड़ेगा। और आप बोलते हो, और आप बोलते हो कि यार टांग खिंचाई बंद करो, ये क्या कर रहे हो आप, खुद टांग खींच रहे हो यार। अरे नहीं ना यार, ये जो वीडियो डाले आपने, डालने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं ना भैया, बहुत पढ़े लिखे समझदार है, सही डाल रहे होंगे ना यार। अरे यार, जब इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार, इतने होशियार, आईपीएस कलेक्टर वगैरह कुछ कुछ बनते यार, हम लोग तो खैर गवार है गाँव के। आप मुंबई के जो गुरु थे, उनने बोले कि बेटा तू इकलौता यूट्यूबर बनना है। हाँ, और आप क्या बोल रहे हो, देसी कंटेंट में सिर्फ आपने काम किया। अरे भाई साहब, कहाँ जी रहे हैं आप, तमिल और हरियाणा पंजाब में ऐसे ढेर सारे आपके जैसे चैनल है, छत्तीसगढ़ में देखोगे 500 चैनल है जो आजकल से नहीं, दूजे निषाद का नाम शायद ऑडियंस ने, सम्मान्य आप लोगों ने बहुत सुना होगा, दूजे निषाद जी जो छत्तीसगढ़ के बहुत बहुत बड़े यूट्यूबर थे। और बहुत जल्दी मैं जाने भी वाला हूँ उनसे मिलने, बहुत जल्दी उनसे मुलाकात, एक बार मेरी तो खैर हो चुकी है। तो यार उनके जैसे कुछ करके दिखाओ, क्या कर रहे हो ये सब, हमको क्या बोल रहे हो आप काम करना, हम तो काम करेंगे भाई, जब हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे। आप क्या बोल रहे हो, मैंने मुंबई से लाया था ये सब चीज, मुंबई से आपने एक कैमरा और एक माइक लाए थे जिसकी कीमत महज 70,000 रुपए थी, चलो 1,00,000 रुपए आप जो भी रही होगी हमको आपने खर्चे की, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमने भी तो अपना समय दिए ना, हमने भी तो अपनी मेहनत किए ना, हमने भी तो आपको अपना सब कुछ दिए ना, समय दिए, मेहनत किए, जो कुछ भी आपको ऊपर जाने में आपका सहयोग किए, आज आप ये सब क्यों बोल रहे हैं, क्यों? नहीं बंटी भी, अपन लोग चूतिया है, पागल लोग हैं अपन लोग, जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब को। और नहीं, मेरा खुला चैलेंज है देव पवार जी, नाम तो खैर हमने तो चेंज कर दिए, पर हमारे दूसरे चैनल का भी कर देंगे, बरघाटी छोरे ओरिजिनल का भी, ठीक है ना, कर देंगे। आप हमारे द्वारा बनाए गए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी पूरी जनता के सामने आपको चैलेंज कर रहा हूँ, हमारी मेहनत से बनाए गए सारे वीडियो आप डिलीट कर दीजिए, तुरंत नाम चेंज नहीं होगा तो हम लोग यूट्यूब पे काम करना बंद कर देंगे, जिस जिस वीडियो में हम लोग दिख रहे हैं आप डिलीट कर। और क्या नाम चेंज कर दो, नाम चेंज कर दो, ऐसा कोई प्रूफ दिखाओ जिसमें कहीं तुम्हारा नाम देव शरणागत हो, है कहीं? देव पवार, अरे नाम, अरे आप तो अपने खुद के नाम से भी नफरत करते हो, धनेंद्र शरणागत जी। हाँ, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है धनेंद्र शरणागत जी। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा बातें तो जितनी करेंगे उतनी कम है, हमारे सम्मान्य देव भैया और आप लोगों तक ये सब जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि सीधी सी बात है, आज हम लोग चुप रहते तो आप लोग हम ही लोगों को गलत समझते हैं। और हाँ दोस्तों, और वो कर ही रहा है ऐसा जो अपन को गलत, और वो चाह ही रहे, चाह ही रहे, वो आप लोगों के दिल में हमारे लिए गलत भावनाएं पैदा कर रहे हैं। ठीक है, आप कितना भी कुछ करो, हम तो अपने काम पे लगे हुए और अपना काम करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, नो डाउट, हम लोग साथ मिलजुल के काम करते हैं, इनको जिस चीज की जरूरत पड़ती है हम करते हैं, हमको जिस चीज की जरूरत पड़ती है ये लोग करेंगे देते हैं, और हम आगे तक करेंगे। और दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत जल्द एक खुशखबरी दूंगा आपको, एक नया चैनल स्टार्ट होने वाला है, उस चैनल में ये सारे कलाकार एक साथ नजर आएंगे। भाई साहब तो आज अपनी डूबती नैया को किनारा लगाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ स्टार्टिंग से है और हम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप लोग हमारे पुराने वीडियो देख लीजिए, हम लोगों ने हमारी जिंदगी और भी अनेकों चैनल में, दूसरे और भी चैनलों में काम किया है और आगे भी करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग लेते हैं आपसे विदा, और यदि कोई जवाब आता है हमारे परम सम्मानीय गुरु जी का तो अगले वीडियो में जवाब भी जरूर देंगे। आप लोग भी इस पे अपनी राय कमेंट्स के जरिए हम लोगों को जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।